हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास, फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी फॉर द फ्लोइंग एपीज। देखो क्वेश्चन क्या बोला जाता है हमारे को कि ये हमें एपीज दे रखे हैं, है ना, इनकी फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बतानी है। ठीक है, देखो इधर फर्स्ट टर्म, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी हो गई, बोलो 6 हो गई। अब मुझे क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे बोलो, A2 माइनस A1 कर देते थे। तो देखो यहां पर A2 कौन हुआ, 9, है ना, और A1 कितना है आपके पास, 6, 9 में से 6 गया कितना हो गया 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका 3 हो गया, और फर्स्ट टर्म कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो बताओ फर्स्ट टर्म कितनी हो गई इसकी, माइनस का 7 हो गई, और क्या निकालना है मुझे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूंगा, A2 माइनस A1 करके। ठीक है ना, A2 कितना है, माइनस का 9 माइनस A1, A1 कितना है आपके पास, माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, माइनस का 9 प्लस 7 कितना आगे पास, माइनस का 2, तो डी के लिए कितना आगे पास, माइनस 2 आ गई। बात क्लियर है, अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, ये इसका थर्ड पार्ट है। देखो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई बोलो उसकी, बोलो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 3/2 हो गई, ये आपकी फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ठीक है, और क्या बताना है मेरे को इसका, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है, 1/2 माइनस 3/2, आप यहां पर वही एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस का 2/2, 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया, माइनस 1। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई पास, माइनस 1 आ गई, कितनी आ गई डी की वैल्यू, माइनस 1 आ गई। ठीक है, अब हम इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो क्या पूछा आपसे, फर्स्ट टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 1 हो गई, कितनी हो गई इसकी फर्स्ट टर्म, 1 हो गई। ठीक है, और क्या बताना मुझे इसका, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे बोलो, A2 माइनस A1, A2 कितना है के पास, माइनस का 2 माइनस A1, A1 कितना है के पास, 1, कितना के पास, माइनस का 3 आ गया, तो डी की वैल्यू कितने के पास, माइनस 3 आ गई। बात क्लियर है, अब देखो इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्या पूछ रहा है देखो आपसे, फर्स्ट टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई बोलो, माइनस 1 हो गई, और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे बोलो, A2 माइनस A1 करके। तो देखो A2 कितना है के पास, 1/4 माइनस A1, A1 कितना है के पास, माइनस 1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, है ना, देखो डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसको, 4 1 4 4 और 1 5 कितना हो गया, ये 5/4 हो गया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, 5/4 आ गया। ठीक है, बात क्लियर है, ऐसे देखो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई बोलो, फर्स्ट टर्म कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। ठीक है ना, और मेरे से क्या पूछा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे बोलो, A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है आपका, माइनस 1 माइनस A1, A1 कितना है के पास, 3 है, तो कितना आ गया बोलो, माइनस का 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका, माइनस का 4 आ गया। बात क्लियर है, अब इसी का सेवन्थ पार्ट देखते हैं। देखो यार क्या पूछा आपसे, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई इसकी बोलो, 3 हो गई। ठीक है, अब मेरे को क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते थे बोलो, आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर देते थे। तो देखो A2 कितना है के पास, माइनस का 2, माइनस का साइन एजिट इज A1, A1 कितना है के पास, 3 है। ठीक है, तो कितना के पास, माइनस का 5, तो डी की वैल्यू कितने के पास, माइनस 5 आ गई। ठीक है, बात क्लियर है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया आपसे, इफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस है ना डी ऑफ एन एपी इज गिवन, देन फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ दैट प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब, ठीक है ना, मतलब एक तरह का पैटर्न या एपी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमें क्या करना है, शुरुआत की चार टर्म फाइंड करनी है। देखो हमें क्या बोल रहा है कि हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है ना, मतलब ए दे रखा है और डी दे रखा है, और हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, एपी की शुरुआत की चार टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट फोर टर्म, मतलब A1, A2, A3, A4, ये आपको निकालना है। देखो इधर अगर हम बोले फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई इसकी, माइनस 1 ही हो गई, सही है, जो A होता है A का मतलब A1 ही है। अब मुझे क्या निकालना है, A2, तो देखो एपी की डेफिनेशन क्या थी, कि पहले वाली टर्म में जो आपका फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर मतलब कॉमन डिफरेंस जो है उसको एड करते जाओ, उसके आगे का नंबर आता जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 1 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको देखो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, माइनस का 1 है उसमें से आधा गया, है ना, तो कितना बच गया के पास, माइनस का हाफ बच जाएगा। बात क्लियर है, ऐसे देखो अब क्या निकालना है, A3 निकालना है बोलो, अब जो इसके अंदर है ना, इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ,
माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा बोलो, जीरो हो जाएगा क्योंकि आपस में कैंसिल हो गए। ऐसे ही मुझे क्या निकालना है, ए फोर जीरो प्लस कितना 1/2, जीरो प्लस हाफ कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो इस एपी की जो शुरुआत की चार टर्म है ठीक है ना, वो क्या क्या हो गई बोलो, एक तो हो गई माइनस वन, एक कितनी हो गई माइनस का हाफ, एक क्या हो गया जीरो, और एक क्या हो गया प्लस का हाफ हो गया। बात क्लियर है। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो इधर क्या बोल रहा है आपको, ए दे रखा है और डी दे रखा है, आपको क्या निकालनी है, एपी की शुरुआत की चार टर्म निकालनी है। देखो ए वन कितना हो गया बोलो, 1/3 ही हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए टू कैसे निकालूंगा, इसके अंदर इस डी को ऐड करते जाऊंगा बोलो, 1/3 प्लस 4/3, तो देखो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमीटर में एलसीएम सेम आएगा, जब आप एलसीएम लोगे 3 आएगा, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 5/3। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए थ्री निकालना है बोलो, 5/3 प्लस 1/3 बोलो कितना हो जाएगा, 6/3 करके कितना हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, ए फोर तो 2 प्लस 1/3। अब देखो इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, देखो कैसे, इस 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप एलसीएम लेके करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। देखो कैसे, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, और उसमें कितना ऐड कर लो, 1, कितना हो गया बोलो, 7 7/3, कितना आंसर आएगा इसका, 7/3 आएगा। बात क्लियर है। ठीक है, तो आपकी एपी की शुरुआत की टर्म क्या क्या हो गई, चार टर्म। फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई 1/3, सेकंड टर्म क्या हो गई 5/3, थर्ड टर्म क्या हो गई 2, और फोर्थ टर्म क्या हो गई 7/3 हो गई। बात क्लियर है। अब देखो इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। आपको वही ए और डी दे रखा है और क्या करना है, शुरुआत की चार टर्म निकालनी है। देखो ए वन कितना हो गया बोलो, 0.6 ही हो गया। बात क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, ए टू निकालना है बोलो, कैसे निकालोगे, 0.6 में कितना ऐड कर लोगे, 1.1, 6 और 1 कितना हो गया, 7. ठीक है ना, 1.7 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए थ्री निकालना है बोलो, कितना हो जाएगा, 1.7 में कितना ऐड कर लूंगा, इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करता जाऊंगा। ठीक है ना, 7 और 1 कितना हो गया, 8, पॉइंट अपनी जगह, 1 और 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए फोर निकालना है, 2.8 में कितना ऐड करना है, 1.1, 8 और 1 9, पॉइंट अपनी जगह पे, 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, बात क्लियर है। तो इस एपी की जो शुरुआत की चार टर्म है वो क्या क्या हो गई, पहली तो हो गई बोलो 0.6, फिर क्या हो गई 1.7, फिर क्या हो गया 2.8, फिर क्या हो गया पास 3.9 हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, बात क्लियर है। चले अब इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्या करना है आपको, वही एपी की शुरुआत की चार टर्म बतानी है। ठीक है, तो देखो पहले ए वन कितना हो गया आपका, 4 ही हो गया। ठीक है, जो ए होता है वही आपका ए वन होता है, ठीक ना। अब मुझे क्या निकालना है, सेकंड टर्म कैसे निकालूंगा, 4 प्लस माइनस 3। ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो, 4 प्लस माइनस माइनस 3 कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही अब मुझे क्या निकालना है, ए थ्री 1 प्लस माइनस 3 कितना आ जाएगा बोलो, 1 माइनस 3 कितना आ गया पास, माइनस का 2। अब क्या निकालना है मुझे, ए फोर माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, माइनस का 2 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस 5। तो देखो एपी क्या तैयार हो गया आपका, पहली टर्म हो गई 4, सेकेंड टर्म कितनी हो गई 1, थर्ड टर्म कितनी हो गई माइनस 2, और फोर्थ टर्म कितनी हो गई 5। बात क्लियर है, चले फिर आगे। चलो अब इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखो ए वन फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी बोलो, 11 हो जाएगी। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे बोलो, 11 में कितना ऐड कर लेंगे, माइनस 4, 11 प्लस माइनस माइनस है ना 4, कितना बच गया, 7। ठीक है, ऐसे ही ए थ्री निकालेंगे, 7 प्लस माइनस 4 कितना आ गया पास, 3 आ गया। ऐसे ही ए फोर कितना बोलोगे, 3 प्लस माइनस 4 कितना बच जाएगा पास, माइनस 1। ठीक है, देखो एपी की जो शुरुआत की चार टर्म है, ये आपका एपी क्या तैयार हो गया, 11 7 3 माइनस 1 एंड सो ऑन। बात क्लियर है, चले फिर आगे। अब देखो वही आपको ए दे रखा है और डी दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई इसकी बोलो, माइनस का 1.25 ही हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी सेकंड टर्म बोलो, ए टू माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25। ठीक है, अब देखो इधर सबसे पहले अगर हम बात करें तो माइनस का 1.25 ये इज इट इज प्लस माइनस माइनस 0.25।
अब देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं पॉइंटों के नंबर में। ध्यान रखना पॉइंट में जब आप एडिशन कर रहे हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हो, ठीक है। पॉइंट के नीचे क्या लगाना है आपको, पॉइंट ही लगाना है, ठीक है। ये भी माइनस का है, चाहो तो 0.25 लिख लो, 5 4 5 10 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 पॉइंट की जगह पॉइंट, ये कितना है 1, ठीक है। किसका, माइनस का, कितना आ गया पास, माइनस का 1.50 आ गया। बात क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, ए 3 निकालना है। बोलो माइनस का 1.50 में कितना ऐड कर लूंगा, माइनस का 0.25, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 1.75, ठीक है। ऐसे ही मुझे ए 4 निकालना है, माइनस का 1.75 में कितना ऐड कर लूंगा, 0.25 ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस का, है ना, 2 हो जाएगा, 2.00 बोल दो, है ना, या 2 बोल दो, ठीक है। बात क्लियर है, चलें फिर आगे। अब इसी का 7th पार्ट देखते हैं। देखो A1 कितना हो गया आपका, 20 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, A2 निकालना है। कैसे निकालूंगा बोलो, 20 प्लस माइनस का 3/4, तो देखो कितना हो गया ये, 20 माइनस का 3/4। आप चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, नहीं तो डायरेक्ट कर लो, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 80 में से 3 गया, बोलो कितना बच गया, 77/4, ठीक है। बात क्लियर है। अब इसकी क्या निकालनी है, थर्ड टर्म, बोलो इसके अंदर कितना ऐड कर जाएंगे, वही माइनस 3/4, 77/4 प्लस माइनस का 3/4, तो देखो कितना हो जाएगा, 77/4 माइनस का 3/4। आप एलसीएम लोगे तो वही आएगा, एलसीएम तो 4 ही, यहाँ कितना हो जाएगा, 77 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना बच गया बोलो, 74/4 बच गया, ठीक है। आप अगर इसको काट के लिखना चाहो तो काट के भी लिख सकते हो, 2 है ना, और 2 से काटा इसको, 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, 37/2 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। बात क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालनी है। तो देखो यार, मैं तो इसको ये लिख लेता हूँ, 74/4 ही लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे एलसीएम में प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे को, है ना। या आप चाहो तो चलो ये लिख लेते हैं, 37/2 प्लस माइनस का 3/4, देखो यहाँ पर वही एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 का इसमें डिवाइड लगाया, 2 है ना, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, माइनस 4 का 4 में डिवाइड लगाया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3, देखो कितना आ जाएगा पास, 71/4 आ जाएगा, ठीक है। तो एपी की जो शुरुआत की जो चार टर्म है वो क्या हो गया के पास, 20, 77/4, 37/2 और 71/4 हो गई, ठीक है। बात क्लियर है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में, चेक द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर एन एपी इफ एनी ऑफ देम फॉर्म एन एपी देन फाइंड द डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट फोर टर्म। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, कि हमें चेक करना है कि ये एपी है या फिर नहीं है, ठीक है ना। अगर एपी है, अगर ये एपी है तो इसके आगे की चार टर्म हमें फाइंड करनी है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम एपी है या नहीं है ये कैसे मालूम करते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो ये एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो ये एपी नहीं है। देखो इधर कैसे निकालते थे बोलो, पहले निकालते थे A2 माइनस A1। तो देखो ये क्या है आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। बोलो कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 2। तो देखो डायरेक्ट कर लो, या चलो आपके लिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4, कितना आ गया बोलो, 1/2 आ गया। बात क्लियर है। ऐसे देखो आप क्या निकालेंगे अपन, A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो 3 माइनस 5/2, देखो डायरेक्ट कर लो इसको, तो 2 3 6 में से 5 गया 1, ठीक है ना, 2/2। ऐसे क्या निकालना है मेरे को, A4 माइनस A3 निकालना है। A4 कितना है आपका, 7/2 माइनस 3, देखो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करें सॉल्व, 2 3 6, 7 माइनस 6, बोलो कितना बचा, 1, और नीचे 2 है तो एज इट इज 2। देखो इधर हमने क्या देखा, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या बोल दोगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एपी, कॉमन डिफरेंस
इज सेम, सो इट इज एपी। ये क्या है आपका? एपी है, ठीक है ना। अब देखो हमसे पूछा था एपी है या नहीं है, फिर उसने एक और चीज बोली फाइंड डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। तो देखो डी कितना हो गया बोलो, ये जो आया है ना, ठीक है ना, यही क्या है आपका? डी है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? डी हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि अगर ये एपी है तो इसके आगे की चार टर्म और निकालनी है। देखो क्या क्या निकालना है आपको, ये ए वन हो गया था, ए टू, ए थ्री, ए फोर। तो अब मुझे निकालना है एक तो ए फाइव, एक निकालना है ए सिक्स, और एक निकालना है ए सेवन, और एक क्या निकालना है मुझे, ए एट निकालना है। बात क्लियर हो रही है? एक तो ए फाइव, ए सिक्स और ए सेवन निकालो। देखो ए फाइव कैसे निकालोगे, सेवन अपॉन टू में कितना ऐड कर दोगे, वन अपॉन टू, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, एट अपॉन टू हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, फोर। अब बोलो फोर प्लस वन अपॉन टू, फोर टू जो एट और वन नाइन, कितना आ जाएगा, नाइन अपॉन टू आ जाएगा। अब बोलो नाइन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू कितना हो जाएगा, टेन अपॉन टू हो जाएगा, कितना आ जाएगा, फाइव। अब वही फाइव प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, फाइव टू जै टेन और वन इलेवन, इलेवन अपॉन टू आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छी तरीके से। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो क्या पूछा है हमसे कि ये एपी है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करते जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे बोलो, पहले ए टू माइनस ए वन निकालेंगे। ए टू कितना है आपका, माइनस का हाफ, माइनस ये आपका ए टू है और ये आपका ए वन है, ठीक है ना। अब यह किसका है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, वन अपॉन टू, प्लस का हाफ और माइनस का हाफ कितना हो गया, जीरो हो गया। ऐसे देखो ए थ्री माइनस ए टू निकालते हैं, ए थ्री कितना है आपका, माइनस का हाफ, माइनस और माइनस प्लस हाफ, ये भी कितना हो गया, जीरो हो गया। ऐसे ही ए फोर माइनस ए थ्री निकालते हैं, माइनस का वन अपॉन टू, माइनस और माइनस प्लस वन अपॉन टू, जीरो। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। तो डायरेक्ट लिख दूं कि इसका मतलब क्या है, एपी है, ठीक है ना। क्या है आपका, लिख दोगे आप लोग लैंग्वेज में, है ना, कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एपी। अब देखो हमसे क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो डी कितना है आपका, जीरो है। डी के लिए कितनी है के पास, जीरो आ रही है। अगर इसने कहा था हमसे कि अगर ये एपी हो तो हमें इसके आगे की चार टर्म और फाइंड करनी है, तो निकालो। देखो अब मुझे क्या निकालना है, ए फाइव निकालना है, ए सिक्स निकालना है, ए सेवन निकालना है और ए एट निकालना है। तो देखो ए फोर कितना है, माइनस का हाफ, ठीक है ना, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ, कितना आ गया, माइनस का हाफ ही आ गया, ठीक है, माइनस का हाफ प्लस जीरो कितना आ गया, माइनस का हाफ। अब जो आया इसको यहां लिखो, माइनस का हाफ प्लस जीरो कितना आ गया, माइनस का हाफ, ठीक है, जो आया इसको यहां लिखो, माइनस का हाफ प्लस जीरो कितना आ गया, माइनस का हाफ आ गया। बात क्लियर है, चले फिर आगे। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, ये क्या है आपकी थर्ड टर्म और ये आपकी फोर्थ टर्म। देखो इधर ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म मतलब ए वन है, ये क्या है आपका ए टू है, ये क्या है आपका ए थ्री है और ये आपका ए फोर है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है और ये ए टू मतलब नाम है ना, उस टर्म का नाम है और ये तो ए स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये ए क्यूब है और ये क्या है थर्ड टर्म है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, निकालो। देखो पहले क्या निकालते थे, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है बोलो, ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, माइनस तो नहीं हो सकती ये, क्योंकि अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म हमें कभी भी माइनस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो देखो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, ए कॉमन निकाल लिया, कितना बच गया बोलो, ए माइनस वन बच गया, ठीक है। अब क्या निकाल रहे हैं अपन, ए थ्री माइनस ए टू निकाल रहे हैं, ए थ्री कितना है, ए क्यूब माइनस ए टू, ए टू कितना है के पास, ए स्क्वायर। बात क्लियर है, देखो इधर अगर हम इसमें देखें कॉमन, माइनस तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि अनलाइक टर्म है, ठीक है ना, इनमें कुछ कॉमन निकल रहा है। तो देखो सबसे छोटी पावर कितनी है, टू, तो जो छोटी पावर होती है वही हमेशा कॉमन निकलती है, ठीक है ना। बात क्लियर है, तो क्या कॉमन निकल गया यहां से, ए स्क्वायर, तो यहां कितना बच गया, ए माइनस वन बच गया, ठीक है। अब देखो ये नंबर और ये जो नंबर है ये क्या आपस में इक्वल है क्या, नहीं, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए पी भी नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे कि ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, क्या बोला आपने बोलो, ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, सो इट इज नॉट ए पी, इसलिए क्या है ये ए पी भी नहीं है। अगर ये ए पी नहीं है तो इसके आगे की तीन टर्म हमें फाइंड ही नहीं करनी। बात क्लियर हो गई, चले फिर आगे। देखो इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। बोलो
हमें वही मालूम करना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी हो तो इसके आगे की तीन टर्म निकालनी है। अब देखो कैसे करेंगे, वही आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करते जाएंगे। ठीक है, बोलो पहले क्या निकालते हैं अपन, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना के पास रूट सिक्स माइनस रूट थ्री। बात क्लियर है? देखो जब मैं सिक्स को ब्रेक करूंगा, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टू इंटू थ्री, या रूट टू इंटू रूट थ्री लिख सकता हूँ माइनस रूट थ्री। भाई जब आप सिक्स के फैक्टर करोगे तो कितने आएंगे पास, टू और थ्री आएंगे। ठीक है, तो रूट आपका एज इट इज है ना, रूट टू इंटू रूट थ्री लिख लिया। देखो आपने नाइन्थ क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रूट ए बी हो तो रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हो, लिख सकते हो। क्वेश्चन ऐसे ही था के पास, रूट ए इंटू रूट बी, इसको रूट ए बी लिखते थे हम लोग। ठीक है, अब देखो यार इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, रूट थ्री इसके पास भी है, रूट थ्री इसके पास भी है, तो हम यहां से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, रूट थ्री कॉमन निकाल रहे हैं, तो कितना आ गया, रूट टू माइनस वन आ गया। बात क्लियर है? चले फिर आगे ऐसे देखो, अब निकाल रहे हैं अपन ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना के पास नाइन है माइनस रूट सिक्स। देखो यार नाइन को अगर मैं ब्रेक करूं तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकता हूं, माइनस सिक्स को ब्रेक करूंगा तो क्या लिखूंगा, रूट थ्री इंटू रूट टू। ठीक है, देखो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, रूट थ्री क्या हो रहा है, इनमें से कॉमन निकल रहा है, तो मैंने यहां से क्या कर लिया, रूट थ्री कॉमन निकाल लिया, तो यहां कितना बच गया, रूट थ्री माइनस रूट टू बच गया। ठीक है, अब देखो ये नंबर और ये नंबर के आपस में इक्वल आ रहे हैं क्या, आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, सो इट इज नॉट ए पी, इसलिए क्या है ये आपका ए पी नहीं है। बात क्लियर हो रही है? चले फिर आगे, अब इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखो क्या दे रखा है के पास, रूट टू रूट एट रूट एटीन रूट थर्टी टू एंड सो ऑन। देखो इधर करें, सबसे पहले वही आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर देते हैं, रूट एट माइनस रूट टू। देखो इधर जब आप एट के फैक्टर करोगे, मैं यहां पर करके दिखाता हूं, टू का डिवाइड लगाया फोर, टू का डिवाइड लगाया टू और टू का डिवाइड लगाया वन, तो देखो यहां पर एक पेयर बन गया है, पेयर में से क्या होता है एक डिजिट बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं, बाहर क्या निकल गया टू और अंदर क्या रह गया आपका एक टू रह गया, रूट टू माइनस रूट टू। बात क्लियर है? अब देखो ये टू रूट टू है और यहां कुछ नहीं है, मतलब वन रूट टू है। ठीक है ना, देखो टू रूट टू में से वन रूट टू गया तो कितना बच गया, वन रूट टू या रूट टू ही बच गया। बात क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? आप क्या निकाल रहे हैं बोलो, ए थ्री माइनस ए टू निकालते हैं, ए थ्री कितना है आपका रूट एटीन माइनस रूट एट। देखो जब मैं एटीन को ब्रेक करूंगा, ठीक है, टू का डिवाइड लगाया नाइन, थ्री का डिवाइड लगाया थ्री और थ्री का डिवाइड लगाया वन, यहां से क्या कॉमन निकल गया थ्री, पेयर बन गया तो पेयर से बाहर क्या निकल जाएगा थ्री, तो यहां से बाहर निकल गया थ्री और अंदर कितना रह गया रूट टू, और रूट एट के मैंने भी फैक्टर करे थे, ये रहे रूट एट के, क्या लिखा था आपने टू रूट टू। ठीक है ना, तो देखो थ्री रूट टू में से टू रूट टू गया, देखो थ्री में से टू गया वन, वन रूट टू है ना, वन रूट टू लिखो चाहे रूट टू लिखो बात एक ही है। बात क्लियर है? अब देखो ऐसे क्या कर रहा हूं, ए फोर माइनस ए थ्री कर रहा हूं, ए फोर कितना है के पास थर्टी टू माइनस रूट एटीन। देखो जब मैं थर्टी टू के फैक्टर करूंगा, टू का डिवाइड लगाया सिक्सटीन, टू का डिवाइड लगाया एट, टू का डिवाइड लगाया फोर, टू का डिवाइड लगाया टू और टू का डिवाइड लगाया वन, देखो एक पेयर ये बन गया एक पेयर ये बन गया, तो देखो यहां से क्या बाहर निकल गया टू और यहां से भी क्या बाहर निकल गया टू, तो टू टू जब फोर, क्या बाहर निकल गया आपका फोर बाहर निकल गया और अंदर क्या रह गया रूट टू माइनस रूट एटीन का भी ब्रेक करते हमने, क्या लिखा था इसको थ्री रूट टू, क्या लिखा था थ्री रूट टू, तो देखो कितना बच गया के पास वही रूट टू बच गया, कितना बच गया के पास रूट टू। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हर बार सेम आ रहा है रूट टू रूट टू रूट टू, इसका मतलब ये क्या हो गया एपी हो गया। तो आप क्या लिखोगे लैंग्वेज के अंदर कि कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एपी, इसलिए क्या है आपका एपी है। और देखो हमें क्या बताना है इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया रूट टू हो गया। बात क्लियर है? अब इसने बोला था हमसे कि इसके आगे की चार टर्म और फाइंड करनी है। ठीक है, देखो अब क्या क्या निकालना है आपको, एक तो निकालना है ए फाइव, एक क्या निकालना है ए सिक्स, एक क्या निकालना है ए सेवन और एक क्या निकालना है आपको ए एट। चले करें स्टार्ट। देखो इधर रूट थर्टी टू में कितना ऐड कर लोगे, रूट टू को ऐड कर लोगे, रूट थर्टी टू देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर रूट टू प्लस रूट टू कितना हो गया फाइव रूट टू हो गया। बात क्लियर है? अब देखो अगर मेरे को आंसर तो मेरा ये भी सही है फाइव रूट टू, मगर ये जो नंबर्स में दे रखा है, देखो अगर मैं इस फाइव को अंदर लेके जाऊंगा, क्या करूंगा इस फाइव को अंदर लेके जाऊंगा
ये कितनी बार जाएगा? दो बार. कितनी बार जाएगा? दो बार जाएगा. देखो मैं लिख के दिखाता हूं आपको, 5 × 5 × 2, ठीक है ना. क्योंकि देखो अगर दो बार अंदर, अगर रूट के अंदर दो बार 5 होगा तब जाके तो एक बार बाहर निकला होगा. तो मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूं वापिस, अंदर लेके जाऊंगा तो दो बार चल जाएगा. 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, तो कितना आ गया पास? रूट 50 आ गया. बात क्लियर है. अब A6 निकालते हैं. बोलो रूट 50 में है ना, इसके अंदर किसको ऐड कर लोगे? रूट 2 को ऐड कर लोगे. तो देखो रूट 50 का मतलब क्या था? 5√2 + √2 कितना हो गया बोलो? 6√2 हो गया. ठीक है, अब इसको वही अंदर लेके जाओ, कितना हो जाएगा बोलो? 6 कितनी बार चलेगा अंदर? दो बार चलेगा. 6 × 6 = 36 और 36 × 2 = 72. ठीक है, बात क्लियर है. चले फिर आगे ऐसे ही. अब A7 निकालते हैं. √72 में कितना ऐड कर लेंगे बोलो? √2 को ऐड कर लेंगे. ठीक है, √72 का मतलब क्या है? 6√2 है. 6√2 + √2 कितना हो गया बोलो? 7√2. और जब इसको अंदर लेके जाऊंगा कितना आ जाएगा? 7 × 7 × 2, 7 × 7 = 49, 49 × 2 = 98, रूट के अंदर 98 आ गया. बात क्लियर है. चले फिर आगे. देखो इधर रूट के अंदर 98 + √2, रूट 98 का मतलब क्या है? 7√2 + √2 कितना हो गया? 8√2 हो गया. इसको वही अंदर लेके जाऊंगा, बोलो कितना हो जाएगा? 8 × 8 × 2, बोलो कितना हो गया? 8 × 8 = 64 है ना, और 64 का डबल कितना हो गया? 128. कितना हो गया आपका? 128, रूट के अंदर 128. ठीक है, बात क्लियर है. चलें फिर आगे. अब इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं. देखो क्या दे रखा है आपके पास? A2A, 3A, 4A and so on. देखो क्या निकालेंगे? वही कॉमन डिफरेंस, A2 - A1. A2 कितना है आपका? 2A - A. देखो ये तो लाइक टर्म है क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1A है. 2A में से 1A गया, कितना बच गया? A या 1A लिख लो. ठीक है, ऐसे ही A3 - A2 करता हूं तो कितना आ जाएगा बोलो? 3A - 2A कितना आ गया? वही A आ गया. ऐसे क्या कर रहा हूं? A4 - A3 कर रहा हूं तो A4 कितना है? 4A - 3A कितना आ गया पास? A आ गया. ठीक है, बात क्लियर है. तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है. इसका मतलब ये क्या हो गया? एपी हो गया. क्या हो गया आपका? एपी हो गया. अगर एपी है ना, तो क्या बताया था हमारे को? उसका कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है? ए के बराबर है. ठीक है ना, और इसकी आगे की चार टर्म और बतानी है. अब देखो डायरेक्ट बता सकते हो आप, 4A के बाद क्या आएगा? 5A, 6A, 7A. तो डायरेक्ट लिख दूं, A5, A6, A7 और A8 बताना है. तो A5 जो है वो कितना आएगा? 5A आएगा. A6 कितना आ जाएगा? 6A, क्योंकि आप जब देखो 4A में A ऐड करोगे तो 5A, 5A में A ऐड करोगे तो 6A, 6A में A ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7A, और 7A में A ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 8A हो जाएगा. बात क्लियर है. चले फिर आगे. अब इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. देखो वही हमें क्या निकालना है? पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? A2 - A1, 0.22 - 0.2. अब देखो आप लोग कभी कंफ्यूज मत हो जाना, इसके लिए आपको बता देता हूँ पॉइंट कैसे माइनस करेंगे. 0.22, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाएंगे. यहां पर कितना आगे पास? 2, और यहां पर 0, और यहां पर भी कुछ नहीं, मतलब 0 है. 2 0.0, तो कितना आ गया बोलो? 0.02 आ गया. बात क्लियर है. अब देखो अब क्या निकालेंगे हम लोग? A3 - A2 निकालेंगे. A3 कितना है आपका? 0.222 - 0.22. देखो इधर क्या है आपके पास? 0.22, 0.22. ठीक है, इधर 0 है, इधर कुछ नहीं, मतलब 0 है इधर. ये कितना आ गया? 2.00. तो कितना आ गया पास बोलो? कितना आ गया पास? 0.002. अब देखो ये नंबर और ये नंबर के आपस में इक्वल है क्या? नहीं है, है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एपी भी नहीं है. तो आप वही लिखो, A2 - A1 = A3 - A2, है ना. सो इट इज नॉट एपी, इसलिए क्या हो गया? ये एपी भी नहीं है. ठीक है, बात क्लियर है. अब इसी का 8th पार्ट देखते हैं. देखो क्या दे रखा है आपके पास?
ये क्या हो गया आपके लिए A1 हो गया, ये क्या हो गया आपका A2 हो गया, ये क्या हो गया A3 हो गया, और ये क्या हो गया आपका A4 हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, वही कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो ये AP होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये AP नहीं होगा। चलो करो, पहले क्या करेंगे, A2 - A1। देखो A2 कितना है आपके पास, 3 + √2 - A1। A1 कितना है के पास, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, √2 आ गया। अब क्या निकाल रहा हूं, A3 - A2 निकाल रहा हूं। देखो A3 कितना है आपका, 3 + √2, ठीक है ना, -A2। A2 कितना है, देखो आपका 3 + √2 है। अब ये देखो माइनस का साइन बाहर है और यहां पर दो डिजिट है आपके पास, इसलिए हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखना, वरना गलती कर दोगे आप लोग, ठीक है ना। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलती हो जाएगी, क्योंकि आप क्या समझोगे कि ये माइनस का 3 हो गया बस, ठीक है ना। क्योंकि जब भी दो डिजिट हो, देखो यहां पर एक ही डिजिट थी इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया था, बट यहां पर क्या आ रही है, दो डिजिट आ रही है। जब दो डिजिट आएगी तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट लगा के लिखोगे। कैसे लगा के लिखोगे, ब्रैकेट लगा के। बात क्लियर हो रही है, क्यों लिखा ब्रैकेट लगा के, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है और यहां पर आपके पास दो डिजिट आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते, देखो इधर, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये आपके लिए क्या रह जाता, ओनली माइनस का 3 रह जाता। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो माइनस का 3 दिखता आपको बस, और प्लस का √2 ही दिखता, ठीक है, बात समझ आ रही है। इसलिए आप जब भी दो डिजिट हो तो हमेशा क्या करो, ब्रैकेट लगा के लिखो। देखो इधर 3 + √2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 3 और माइनस का √2, ये आपस में 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से 1√2 गया, कितना बच गया, 1√2 बच गया। अब ऐसे ही A4 - A3 निकालते हैं। देखो A4 कितना है आपका, 3 + √2, 3 + √2, ठीक है ना, -A3। देखो दो डिजिट है इसलिए ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूं, कितना आपके पास, 3 + √2। बात क्लियर है, देखो 3 + √2, -3 और -2√2, 3 से 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 गया, तो कितना बच गया, √2 बच गया, ठीक है। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यहां भी √2 आया था, यहां भी √2 और यहां भी √2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, AP हो गया। क्या हो गया आपका, ये AP हो गया। अगर ये AP है तो अब हमें क्या करना है, इसकी आगे की 4 टर्म और फाइंड करनी है, ठीक है, करें। देखो इधर निकालो, देखो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, A5 निकाल रहे हैं। देखो A5 कैसे निकालेंगे, जो A4 है उसमें 3 + √2, इसमें कितना ऐड कर देंगे, √2 ऐड कर देंगे, देखो कितना हो जाएगा, 3 + √2 हो जाएगा। ऐसे ही A6 निकालते हैं, बोलो 3 + √2 + √2, तो कितना हो जाएगा, बोलो 3 + √4 √2 हो जाएगा। ऐसे ही A7 निकाला, 3 + √4 √2 + √2, कितना हो जाएगा, बोलो 3 + 5 √2 आ जाएगा। ऐसे ही A8 निकाला, 3 + 5 √2 + √2, कितना हो जाएगा, बोलो 3 + 5 = 6 √2, ठीक है, बात क्लियर है।